कार्यक्षम होइपरुना ही 500 कोटी टंकार व्ययबहुल जल प्रकल्प गंजाम जिला धराकोट ब्लॉक सिंगीपुर पंचायत रे ओडिशा जल संपद विभाग आनुकूल्य 500 कोटी टंकार व्यय बरादरी पार्वतगिरी बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प निर्माण करा जायतिला। लक्ष्य थिला पाखापाखि 3 ऊर्ध्व पंचायत 780 हेक्टर जमी को जल जोगाइबा। एने चासी माने मध्य बेस खुशी व्यक्त करथिले। आखिरे आखिए स्वप्न थिला प्रकल्प कार्यक्रम हेले वर्ष सारा तांग जमी रे सुना फळिबो, किंतु स्वप्न सबू स्वप्न रे रही जायछि। इतिमध्यरे प्रकल्प कार्य शेष होबार दीर्घ 4 वर्ष बीति सारिछि। दीर्घ 3 वर्ष तळे माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए प्रकल्प शुभारंभ कर सारी, किंतु विडंबनार विषय प्रकल्प उद्घाटन होबार दीर्घ 3 वर्ष बीति सारिथिले मध्य उक्त प्रकल्पटी आज जाए कार्यक्षम हो पारिनि, जहाकु नै चासी माने बेस खोब प्रकाश करिछन्ति। ए जो प्रोजेक्ट तयार करा पानी जो को फसल को पानी जाऊ नै कौन सी प्रकार सब बिलवाड़ी सब खोला ताड़ा करी करी सब नष्ट कर देले बोले गोटे नला डी आज खंजी दौर कल गाड़ी गुड़ा है नला डी खंजी दौर पर दिन का नला जीवार ना कि पा जीवार ना ये शह शह लोक आई कम करम कले बड़ योजन कौन सी प्रकार सुविधा हो पाने कि गोटे सोलह पांच नौ भूमि की पा जा कौन है सरकार कौन कर मेघा कंपनी कौन करस कर कौन सी प्रकार जापारू पा कहीं जाऊनि आम जमीर सब प्रकार सुविधा कर पर्वत शिखु पा सब ना नूला नला सब पकाहीगला पा जा जमी सरकार कहते आम पा कि जल्दी दि आमर सब मरीगला धान फसल हलानी तली मरीगला कि बर्षा रही कि पा सोल जमी पा ना बर्षा होना तेणुक पा आम को चाहे। चलित वर्ष धराकोट ब्लॉक केतोटी पंचायत रे स्वल्प वृष्टि देखादी जहाँफल अनेक जमीन तली पड़ी नष्ट हो सारी से सिंगीपुर पंचायत मध्य रही एक परिस्थिति रे चासी माने गोटे प्रकार एक प्रकल्प उपरे आशाबंदी बसिथिबा बेले कार्यक्षम हो पारिनि एहि बृहत उठा जलसेचन प्रकल्प। 500 कोटी टंकार व्ययबहुल एहि प्रकल्प थाई भी जमी को पानी बुंदे पाइपरु नांदी चासी कोटी कोटी टंका खर्च कलो पानी आम जमी की मिलला नहीं तीन वर्ष होला स्टार्ट होला आउ पानी केबे मिलिवो ना ये भांग रुजुकी तुम सामान तुम धरी चल जीव ये सब कारण को कारण कार्यकारी हो पा ना कोड़ कोड़ टा जो खर्च होला तुम है कम आमर कमी पा छाड़ ना ये बंद कर बंद कर तुम चल यही समस्या को नहीं चाषी मैंने थर जमीरे जल जोगाण विभाग करतृपक्ष जनई तेब ये प्रश्न उठू 500 कोटी टंकार उठा जलसेचन प्रकल्प कहा स्वार्थपाई निर्माण करा ठिकादार और बड़ बड़िया अफिसर मान स्वार्थपाई ना चाषी मान जमी में जल जोगाण जदि प्रकल्प कार्यकारी न हुए आगक चाषी मैंने आंदोलन को ओह्लैबे चेतावनी सरकार एत बड़ योजना कले 500 कोटी टंकार योजना कले योजना होगा पूर्व जिते बड़े कि प्रथम आसिले प्रोजेक्ट आरंभ कले से कहले ना आपण एरिया तो स्वर्ग आश्रय आर अभाव तेणु ये गोटे प्रोजेक्ट हेले ये तीन चार खंड पंचायत पा जोगाण हम तेणु ये जो प्रोजेक्ट है आम समस्ते से डाली जातीय फसल चलता डाली जातीय फसल सब फली पाचिनि कितु ये प्रोजेक्ट कर समस्त चाषी आनंदर सहित छाड़ देते जहाँ नष्ट गोटे वर्ष नष्ट तापर वर्ष तो समस्ते पाइबाना आमर जहाँ धान फसल पड़ोसी ये पा जा द्वारा आम धान फसल आदाय हो भल आउ कौन अभाव होनी तेणु समस्ते छाड़ बोली कहले समस्ते छाड़े बड़ बड़ गाड़ी मान सब नष्ट समस्ते मुंडपोति रे जिते बड़े प्रोजेक्ट संपूर्ण है पा छाड़ापी जो कहले सब पा अभाव है लोक मैंने जो आसे पा जो कौन पा चालू करूना सब तो कम सरला ना ये वर्ष नहीं आसंता वर्ष को ये चलो 4 वर्ष होगा प्रोजेक्ट आरंभ हबार 4 वर्ष पर 3 वर्ष होगा उद्घाटन हो सारा 3 वर्ष होगा पा जीव 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 कह पा जीवक ना एम अफिसर मैंने के आसवाक ना ये देख ला बेल जिते बड़े देखू आम दुटा सिक्यूरीटी थाउंट आउ किए न था अफिसर के अफिसर मैंने आसुचा कि पलि आस घुगा पड़ुंत पा आसपरा थोड़ा उद्घाटन होगा पा आसपरा यहाँ अफिसर मैंने आसिले आम चाषी मैंने जो देखू एम दौ कि आम जो आसिक बहुबार आम सरपंच को कम्प्लेन दे सरपंच आसिक बहुत थर कम्प्लेन दे कि कहीं आमर दुख बुझा ना चाषी मैंने हाहाकार वर्षा होगा ना तली सबू मरीगला आउ क्या धरिक चलिए चाषी ना प्रोजेक्ट सफल जदि हो पारानी
आम तो कहीपना प्रोजेक्ट सफल होती से कहते किंतु जिते कहले भी मत कहते पानी अभाव आमर एठ पा जा ब्रह्मपुर पर्यटन चाष जमी लोके चाष कर केनाल द्वारा पा जा ब्रह्मपुर पा खाऊँ कि आमर ये ऋषिकुल्या नदी में पा के अभाव ना से प्रोजेक्ट जी पा अभाव जी हो अभाव होगा पूर्व एत बड़ प्रोजेक्ट करा पूर्व तार प्रतिकार करा कथा से पा हो ना देखा कथा प्रोजेक्ट होगा कोटि कोटी टंकार गोटे उठा जल सेचन होगा तापर जो लोक को पा दरकार से कहे पा अभाव से पा अभाव तार प्रतिकार करूँ प्रतिकार कर तुरंत आमको पा छाड़ू जदि तुरंत पा जी न छाड़े आगामी दिन में आठ भयंकर रूप से चाषी आंदोलन हम एक मेगा प्रोजेक्ट रचे से दिन मेगा प्रोजेक्ट भांग केवल से नुह स्थानीय सरपंच प्रकल्प को नहीं विभाग कर्तृपक्ष प्रश्न कर सिंगीपुर ग्राम पंचायत मुझे सरपंच प्रफुल्ल कुमार दास सी मेगा कंपनी बिल बाड़ी सब हिटाच मेसीन मारी आड़ी जो नला पकेला सब आड़गड़ी भग्न कर नष्ट करदे किंतु आज की तीन वर्ष होगा आम प्रिय मुख्यमंत्री नवीन बाबू ए मेगा जलसेचन प्रकल्प को उद्घाटन कले आम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देलु आमर जल भूमि जमी जलसेचित हो बोली किंतु वर्तमान तीन वर्ष होगा जलसेचित हो दूर कथा 780 हेक्टर जमी एठार जलसेचित हो बोली बड़ बड़ अक्षर बोर्ड मराला किंतु 7-9 जमी भी आज सुधा पा माड़ी लोक बहुत दुर्दिन गालातिवाद करगामी दिन में जदि यही समस्या समाधान न हुए तेबे यही मेगा लिफ्ट इरिगेशन पाखरे लोक आसी आत्महत्या करने को बाध्य होबे अन्य पक्षरे विभागीय अधिकारी को आमे फोन माध्यम रे जोगाजोग करथिलु वर्षा कम जोगु नदी रे पानी रहुनी एवं प्रकल्प पई एको नदी बंधर आवश्यक रहिछि तेणु जमी को जल जोगाण पई असुविधा रहुतबा प्रतिक्रिया रे दर्शाइछन्ती जो खबर अच्छी 500 कोटी टंका रे प्रकल्पटा हेतिला 4 वर्ष तले प्रकल्पटा निर्माण शेष होइतिला 3 वर्ष तले नवीन पटनायक वर्चुअल माध्यम रे तार इनॉग्रेशन करथिले उद्घाटन करथिले तो 3 वर्ष हेलानी प्रकल्प उद्घाटन हेबार परे भी लोक मान को पानी जोगे पारु नहीं बोली कंप्लेन करछन्ते लोक माने काली आमे जाइदिलु लोक मैंने प्रतिवाद करते कि तीन वर्ष उद्घाटन हेबार तीन वर्ष पर भी कि आमको जमी को पानी जोगाई पारे जो 780 हेक्टर जमी आमर पानी जोगेबे बोली कहीकि प्रकल्प निर्माण करते गोटे हेक्टर भी जमी को पानी आसुनी तो सर से विषय में आप प्रतिक्रिया रखिए कहीं पानी आसुनी कौन से विषय सर शुणु देखो सर आम जो प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा जहाँ कर प्रिंसिपल सी माने जिते बेले नदी रे पानी था धान चाष आम मुख्य धान चाष धान चाष डिपेंडेंट हो वर्षा उपरे जो उच्चा जमी गुडा अच्छी सेठी कौन ना वर्षा दिन कौन ना नदी रे पानी था किंतु उच्चा जमी रे पानी न था तो सेठी पई कौन कराई जी नदी रे जिते बेले पानी अवेलेबल थी से पानी टा उठे कि ऊपर जमी को दिया जीव बुझी पारले तो सी अनुसार सेठी पई आमर किसी बोरवेल कराई नी नदी रो जो ओवर माने फ्लो वाटर अच्छी वाटर फ्लो से फ्लो वाटर को उठे ऊपर जमी दिया जीवो तो वर्तमान कौन हो ना नदी रे पानी सॉर्टेज हो बहुत चाषी मन आगे कम्प्लेन हूँ ब्रह्मपुर केनाल रे पानी आसुची ब्रह्मपुर तक जाऊ सिंगीपुर रो चाषी मान जमी अच्छी से गोटाए हेक्टर को भी पानी आसी पार्टी कहले कि देखु ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर जो प्रिंसिपल कहले ब्रह्मपुर प्रिंसिपल होची देखंतु जेते ब्रह्मपुर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे पानी नि आला सेटा जेतु ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई पे पानी नि आउजी 365 दिन ने तांको पानी अवेलेबल दरकार तो से माने कोन कले जानि बिल अनिकट पाके तांको पंप हाउस बसेले कहीं आउ कोड़ी भी बसी पारथन जे किंतु सेठी बसार कारण होची जेते नदी रे पानी थिबो नदी पानी को उठे ब्रह्मपुर नै जिवे जदि नदी रे पानी सरलाले सोरोटा डैम खोलले सोरोटा डैम रु पानी आसीला से जानि बिल उठे नै आला सोरोटा डैम रे पानी सरी गला भंजनगर डैम रु पानी आसिक जानी बिल जहाड़ा पाखे भी पड़े से पानी उठे हाँ
ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେଠି ସେମାନେ ପମ୍ପାଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଞ୍ଜନଗର ଡ୍ୟାମରୁ ପାଣି ଆଣିବେ ସେଥିରେ ପାଟପୁର କୁଆଡେ ପାଣି ଆସିବ, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି ଜାହାଡ଼ା ପାଖରେ ଜାନି ବିଲେ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ଆମର ସାର ପାଣି ମଟର ଚଲାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଣି ଏଭେଲେବୁଲ ହେଲେ ଆମେ ଚଲେଇଦେବୁ। ଆମେ ତ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଖାଲି ପାଣି ଚଲାଅ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପିଲା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷ ସାରା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ବର୍ଷ ତଳି ପୋଡି ଯାଇଛି ଅନେକ ଜାଗାରେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବି ଯାଇକି। ସେଇଟା ଆମେ ଆମେ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କ୍ଲଷ୍ଟର ସେଭେନ, ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 14 ଜାଗାରେ 14 ସ୍କିମ ଅଛି, 14 ଲୋକ ପମ୍ପ ହାଉସ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଦେଖିବି ସେପଟେ ଯୋଉ ଆମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପଟେ ତାଙ୍କ ତଳି ପୋଡି ଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ସେଠି କଣ ଅଛି ସାର, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହନୁମନ୍ତ ପୋଲିଲେ ଗୋଟେ ସ୍କିମ ଅଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକରେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଜାନିବିଲେ ବ୍ୟାରିକେସନ ହେଇନି ଯୋଉ ନଦୀ ବନ୍ଧ ହେଇଛି, ଡିଟୋ ସେମ୍ ହେଇଛି, ତା ଉପରକୁ ଆମ ପମ୍ପ ହାଉସଟା ଅଛି, ତ ସେଠି ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ପାଣି। ଆମର ଜିରୁଳି ଅଛି ଯୋଉ ବେଲଗୁଣ୍ଟା ଜିରୁଳି ଅଛି, ସେଇଠି ବି ସେମ୍ ଅଛି, ବଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହିଁ ପମ୍ପ ହାଉସଟା ଅଛି, ତ ବଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହୁଛି। ଏଇଠି କଣ ନା ସାର ମାନେ ପାଣି ରହୁନି, ଗଡି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ଆଗରୁ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନଥିଲା କି ୟାର, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ପାଣି ଗଡିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପାଣିର ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି। ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆସୁଛି ମୁଁ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, କୋଉ କୋଉ ସ୍କିମରେ ଏମିତି ପାଣି ରହୁନି ପଳେଇ ଯାଉଛି, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ନହେଲେ ବର୍ଷା ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାଇକି ପାଣି ଆସୁଛି, ନହେଲେ କମ୍ ବର୍ଷାରେ ପାଣି ରହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ ମାନେ ଡିଜାଇନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଦିଆହେଇଛି, ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଆଇସି ଅଫିସରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଭିଜିଟ ଗ୍ୟାଲେରୀ ପଟେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଭିଜିଟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଲରେଡି ପ୍ରି ଭିଜିବୁଲ ସର୍ଭେ ବି ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପମ୍ପ ହାଉସ ଅଛି, ପମ୍ପ ହାଉସ ଟୁ 100 meter ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧା ହବ, ସେଟା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ ଆପ୍ରୁଭାଲ ସବୁ ହେଇଛି, କ୍ୟାବିନେଟ ବି ଆପ୍ରୁଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ ଅଛି, ଟେଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ କାମଟା ଯାହାକୁ ମିଳେ ସେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ କାମ ଗଲା ପରେ ତା କମିଂ ସିଜନ ରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିନା ପ୍ଲାନିଂରେ କେମିତି 500 crore ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଗଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଉ ନା କାହିଁକି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାର୍ବତୀଗିରି ବୃହତ ଉଠା ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପୂରଣ କରାଗଲେ ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।